लो बेटा, लाइट सेट कर दी मैंने तुम्हारी। कैसे? तुम यहाँ बाएं तरफ जो बेडरूम है वहां सोओगे, साथ में अटैच बाथरूम भी। अच्छा अच्छा, जिस तरह तू मेरे साथ अटैच बाथरूम है। क्या? नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि इतने बड़े कमरे में मैं अकेला सोऊंगा। अकेला और डबल बेड पर। अच्छा अच्छा, डबल, तो तू भी डबल बेड पे सोएगा? अबे मैंने तो सिंगल बेड अपनी जिंदगी से निकाल करके फेंक देना है बाहर। तो तुझे बेड की जरूरत ही क्या है? क्यों, तू तो बेड की पट्टी पे सो सकता है। बकवास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं मास्टर बेडरूम में सोऊंगा और खाना और नाश्ता ये सामने, ये टेबल लैंप पर। अबे नहीं यार, डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाया करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, वहां खाया करेंगे। लेकिन खाएंगे कहाँ? अबे उसके बारे में बाद में सोच लेंगे। सबसे पहली चीज ये थी कि सर छुपाने के लिए इंसान को जगह चाहिए, वो हो गई। हाँ यार, अल्लाह ने देख ले तू, ईमान से अल्लाह ने कैसा बस्ता बंद कर दिया हमारा। यार असल में बात ये है नन्ने, कि हम ज्यादा अरसे तक खुली फिजा में सांस नहीं ले सकते। हाँ, लेकिन खुली फिजा में वो ऑक्सीजन बड़ी कम होती है। अबे ऑक्सीजन नहीं बे। हाँ। अब देखना यार, हम वहाँ पार्क में सोते थे। हाँ। पुलिस गश्त करती थी। हाँ, बिल्कुल करती। वहां पर फुटपाथ पर सोते थे। हाँ। तो चौकीदार तंग करता था। तंग करता था वो, तो यहाँ पे डंडे मारता था। उठो। हाँ, तो ये तो अब देखना, वहां पर सोते हुए फुटपाथ पर, याद नहीं तुझे, तेरी घड़ी चोरी चली। हाँ लन, वो तो यार मुझे ईमान से घड़ी का बड़ा अफसोस हुआ। मुझे खुद बड़ा दुख है यार, लेकिन मुझे एक आदमी पे शक है। अच्छा, किस पे? किस पे? इस पे? मैं नहीं बताऊंगा, तू मुझे मारेगा। ना मारूंगा क्यों, जिस पर शक है तुझे बता दे। अच्छा, चौकीदार पे? नहीं नहीं, चौकीदार पे तो नहीं, चौकीदार तो बड़ा शरीफ आदमी है। तो फिर किस पे? अलन मुझे तुम पे शक है। क्या ईमान से? तू बड़ा भारी चोर है यार। मुझे तेरी घड़ी उतारने की क्या जरूरत है, मेरे पास अपनी घड़ी नहीं है। हाँ, तो फिर तेरी घड़ी किसी ने क्यों नहीं उतारी? हाँ, उसकी वजह यह है कि मैं हाथ को हमेशा जेब में रख के सोता हूँ। हाँ, जेब में रख के। अब देख, तेरी असफंद की चपली वो भूल गया, तो तेरी असफंद की चपली किसी ने नहीं उतारनी थी, तो बेंच पर सो रहा था पार्क में। हाँ यार अलन, देख लिया, मैं बाहर सोने की वजह से जितनी हमारी प्रॉपर्टी थी ना, जितना सासा था, वो सब जाया हो गया। चोरी, चोरी। अगर तू ये मुझे सीढ़ियों से उठा के ना देता। ये हर वक्त तू क्या बताता फिरता कि सीढ़ियों से उठा करके दिया, उसको भूल गया। अच्छा। वो हमारा माजी था। अच्छा। अपने माजी को भूल जाते हैं। हाँ। शुक्र कर यार कि वो मनहूस और गैर महफूज जिंदगी हम बहुत पीछे छोड़ करके चले आए। अब हम यहाँ आराम से रहेंगे और इंशाल्लाह सुखी रहेंगे। हाँ अलन, बिल्कुल ठीक कह रहा तू। अब हम हर रोज किराया अदा किया करेंगे और बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। क्या क्या? हर रोज किराया अदा। हर रोज? हर रोज, हाँ, बकायदगी से। अबे अगर किराया अदा कर सकते। हाँ। तो वो कराची वाला मकान हमें काट रहा था ना, तो किराए के बगैर हम कैसे रहेंगे? यहाँ कोई हमारे मामू तो नहीं रहते? अबे रहने का सलीका होना चाहिए यार, रहने को क्यों नहीं देगा कोई? हम जो अपने आप को भूखे और नंगे जाहिर करते फिर रहे हैं। हाँ, तो कोई इसमें किसी को क्या हमदर्दी हो सकती है? ये हमारी गलती है जो हम अपने आप को कलाश और मुफलिस जाहिर करते हैं। ना तो हम कोई झूठ तो नहीं कर रहे थे ना? हाँ, तो वो गलती अब हम नहीं करेंगे ना आइंदा। हाँ। अब हम टॉप के बिजनेसमैन हैं आज से। अच्छा जी, आम खाई झूठी मूठी। अबे दुनिया यही मानती है यार, हमारा कारोबार है, हमारे बाप दादा भी यही करते थे जो हम करते हैं। यानी धोखा और फरेब और फ्रॉड। नहीं यार, बिजनेस कारोबार। अच्छा। हाँ, हम दुनिया का बड़ा से बड़ा झूठ बोलेंगे कि हमारा दुनिया के तमाम बड़े बड़े बैंकों में अकाउंट है। अच्छा, धोखे और फरेब का अकाउंट है? यार धोखे और फरेब से ही दुनिया मरूब होती है, तो हम क्या करें बताओ? तो फिर इसका मतलब ये हुआ ना कि ये दुनिया रहने के काबिल तो ना हुई ना? ओ यार, दुनिया रहने के काबिल हो ना हो इससे कोई बात नहीं है, बात यह है कि ये घर तो रहने के काबिल है ना। हाँ, ये तो। और इसमें रहने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि तुमको खुद को शादीशुदा जाहिर करना पड़ेगा। क्यों यार? इसलिए कि ये मालिक मकान या पड़ोसी जो कुछ भी है। हाँ। माशरे में। हाँ। ये तुमसे ज्यादा तुम्हारे बाल बच्चों में इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छा। हाँ। तो फिर ये बाल बच्चे कहाँ से आएंगे? आएंगे नहीं यार, वो वहाँ भावलपुर में पड़े हैं। हाँ, हाँ, वो जहाँ तुम्हारा ससुराल है। तो वो यहाँ नहीं आएंगे? नहीं, यहाँ नहीं आएंगे। तुम अपने बच्चों से मिलने के लिए भावलपुर चले जाया करोगे। तो फिर ठीक है एलन, मैं दो चार दिन के लिए मैं भावलपुर जाके बच्चों से मिलाता हूँ। यार मैं बच्चों से बड़ा उदास हो गया हूँ। कुछ बच्चों से उदास हो गए? तुमने कहा जो है वो को भावलपुर में पड़े हुए। यार वो झूठ मूठ के बच्चे हो गए, सच्चे मुच्चे के बच्चे हैं वहाँ पे। अच्छा। अबे झूठ मूठ के बच्चे हैं यार, यही तो जाहिर करना है। उनके नाम होंगे क्या? क्या? अप्पू शप्पू गप्पू लप्पू चप्पू और चक्कू। ये कौन? छह बच्चे। ये कौन है? बस तेरे बच्चे हैं। ये मेरे बच्चे हैं? हाँ। कितने? भाई छह यार। नहीं नहीं अलन, बच्चे कम कर। क्यों क्यों? वो फैमिली प्लानिंग वाले का दिल टूट जाएगा, उन्होंने करोड़ों रुपया लगाया इस बात पे। नहीं नहीं, अब बच्चे कम नहीं हो सकते, जो तय हो गए वो हो गए। अब्दुल शकूर साहब आ रहे हैं, उनके सामने तमाम बातें बहुत ही एतमाद के साथ करनी है, जैसे हम टॉप के बिजनेस में। फिक्र ही ना करना। शाबाश। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम।
माफ कीजिएगा रन साहब, मैं जरा किराया नामा लिख रहा था। अच्छा, जाहिर है जी, मालिक मकान किरायेदारों के लिए किराया नामा ही लिख सकता है जी, और को मोहब्बत नामा तो नहीं लिख सकता। जरा आप ये एक नजर देख लें, पढ़ लें से। नहीं जी, मैं इस किस्म का काम नहीं करता हूँ, ये करता है। शकूर साहब, ये तो एक महज रस्मी सी कार्रवाई होती है। असल चीज तो ये है जी कि मालिक मकान और किरायेदार के दरमियान एक परता होता है। नहीं, एक हमाहंगी होती है। हंगी महंगा। हमने तो जिंदगी में कभी किरायानामा साइन नहीं किया। अगर आप कहते हैं हम कर देते हैं। बस जी, दरअसल वजह ये है कि हम एक जगह पे टिक के नहीं ना बैठते। वो दफ्तर असल में हमारे बिजनेस की नौयत ही ऐसी है। हाँ, आज लंदन में है तो कल पेरिस में, तो परसों पूंडपुरे में। जी हाँ जी, वो सिसली में एक छोटा सा जजीरा है, बड़ा गुमनाम सा। हाँ, ये जो बता रहे हैं पूंडपुरा। जी हाँ, वहाँ हमारा एक छोटा सा मकान भी है। जी हाँ, तो हम तो अभी यही पिछले महीने पाकिस्तान आए। जी, आपका कारोबार बाहर? जी हाँ, अब तक तो कारोबार से बाहर ही रहा। हमारा कारोबार ऐसा है जी, उसके कारोबार के सिलसिले में कभी हम बाहर रहते हैं और कभी अंदर हो जाते हैं। जी हाँ, असल में हमारा कारोबार रहा ही बाहर अब तक। जी हाँ, लेकिन शकूर साहब सच पूछिए तो हम थक बहुत गए हैं, पैदल चलते हैं। जी वो असल में जी एक उम्र होती है, आदमी को पैसे कमाने की भी एक धुन होती है, तो अल्लाह ने पैसा भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन वतन की एक मोहब्बत ऐसी चीज है कि इंसान को मजबूर कर देती है। तो हमने अपने तमाम दफातर को वाइंड अप करके तो पाकिस्तान ही ले आए हैं। जी हाँ। और अब यही रहने का इरादा है, और अब इनके बच्चे भी माशाल्लाह बड़े होने लगे हैं। तो आप शादीशुदा हैं? जी जी, शुदा शुदा। कितने बच्चे हैं? मेरे ख्याल में कोई होंगे वो तकरीबन कोई, कितने बताए? छह बच्चे। जी जी, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे, बड़े स्वीट है बहुत। और वो हैं, उनके नाम क्या? चप्पू, शप्पू, डक्कू, लप्पू, पप्पू, और आखिरी है चक्कू। चक्कू, बड़े शरीर बच्चे हैं जी, बड़े स्वीट। तुझे याद है ना, वो एक दफा तुम्हें चक्कू, हाँ, छोटा जो था, जा, जा। वो एक क्रिकेट का गेंद ले आया जी कहीं बाहर से, बड़ा अच्छा स्पोर्ट्समैन बन गया। बस जी, उसने मार मार के बॉलिंग कर करके तमाम घर के खिड़कियों और दरवाजों के शीशे तोड़ दिए। शरारती इतने हैं जी कि जब भी हम बाहर से आते थे तो कभी हमें प्लाट में पड़ी हुई खिड़की मिलती थी, कभी दरवाजा मिलता था, दरवाजे खिड़कियां सब तोड़ देते थे, छोटे थे। छेदने वाली बंदूक, वो एयर गन, एयर टाइगर, वो ले दी। तो बस जी, वो उसने निशाना पकाना जो शुरू किया तो पूरे घर के बल्ब उसने तोड़ दिए। तो जो वो पंखा था ना जी ऊपर लगा हुआ, उसमें निशाना करता तो मोरी हो जाती थी। ओए होए, जब वो पंखा चलता था तो कैसी आवाज आती थी, उसमें सीटियां बजती थी। एक दफा जी छत पे ना एक छपकली चली फिर रही थी, तो उसने उसका निशाना लेना शुरू किया, तो जहां वो फायर करता था भरन, छपकली आगे चली जाती थी, फिर करता था भरन, फिर चली जाती थी। करते करते पूरी छत में, बात तो सुन, कहां जा रहे हैं आप? पूरी छत में सुराख हो गया जी। बस जब कभी बारिश होती थी फिर तो अंदर बैठे हुए यूं लगता था जैसे बाथरूम में बैठे हुए शावर चल रहा है, ये बरल पानी। वो छोटे थे जी, वो तो बड़े मासूम से थे। अब तो माशाल्लाह बड़े समझदार हो गए। अब की बात सुने, जब बड़े हो गए अब क्या करते? अब तो जी वो अब तो सुने क्या करते। खाता आया उस दिन कि वो जो दरमियाने वाला है ना, उसने तमाम घर की चिटकनियां और ये जो कुंडियां होती है ये सब उखेड़ के तो जाके बेच के टॉफियां खरीद ली। लेकिन अब तो वो हुजूर, वो चाहिए आप जी मुझे? असल में अब तो वो उनको हमने बोर्डिंग में डलवा दिया है, तो अब वहाँ बिल्कुल सही हो गए वो। तो छुट्टियों में कभी कभार आते हैं, लेकिन वही अपने नाना के यहाँ, हमारे पास नहीं। तो आपकी फैमिली यहाँ नहीं आएगी? नहीं आएगी, यहाँ नहीं आएगी जी। हाँ, असल में बात यह शकूर साहब की इनकी वाइफ मुझे कुछ ज्यादा लाइक भी नहीं करती। हाँ जी, वो मेरी वाइफ मुझे लाइक नहीं करती, मुझे लगा मुझे 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 कभी इसको नहीं करती, कभी मुझे नहीं करती, बस वो आपस में चलता रहता है। आप अलन में आपकी शादी हो चुकी? बस कभी हो जाती है कभी नहीं होती। असल में जी वो एक दफा होने लगी थी, बच गए। मैं उस जमाने में हैमबर्ग में था, तो टेलीफोन पे ये शादी होनी थी। जी तो जिस दिन होनी थी तो उस रोज जी वो इस्लामाबाद में बारिश बहुत दबा के हो गई, बस तो वो लाइन ही खराब हो गया, दुल्हन स्लिप कर गई टेलीफोन, अल्लाह ने उसे डूबने से बचा लिया। जी हाँ। तो यानी आप अभी कुंवारे हैं बेटे? बिल्कुल जी, भयानक किस्म के कुंवारे। और बाकी की फैमिली कहाँ है? वो तो रहनी नहीं थी, रखी नहीं, बस इनके आगे पीछे कोई नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि आगे सांप है पीछे कुआं है, कुछ नहीं। बस जी वो
अब अल्लाह से मैंने तो शिकवा करना भी छोड़ दिया शुक्र साहब, उसने क्या नहीं दिया मुझे, इज्जत दी, शोहरत दी, पैसा दिया, प्रॉपर्टियां दी। किसको? एक औरत नहीं थी तो क्या है? ठीक। नहीं 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 नहीं, नहीं मायूस नहीं होना चाहिए बेटे, जहाँ लिखा होता है वहीं होता। हाँ जी ये तो खैर ठीक है जी, बाज़ का तो नहीं भी लिखा होता और ये भी क्या पता जी कहाँ पे लिखा हुआ। हाँ, किस जगह पे लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, बिल्कुल ऐसे ही होता जी। लो भी मैं चाहे तो भूल गया, ये चीज तो आप काफी देर से भूल गए, इसकी तकल्लुफ की क्या जरूरत, चाहे तो होनी नहीं होनी चाहिए कह रहे ना। शमसा जी अबू, बेटे को चाय नहीं आई अभी? मैं अभी लेकर आती हूँ। बड़ी घरेलू लड़की। हाँ जी माशाल्लाह, पिछले साल जर्नलिज्म में एमए किया है इसने। अच्छा जर्नलिज्म में? कौन सी में? जर्नलिज्म में। अच्छा अच्छा, बस जी मुझे तो सब्जेक्ट ही एक पसंद है और वो जर्नलिज्म है। मुझे भी। अच्छा। इसके बावजूद घर का सारा कामकाज इसने संभाला। वेरी गुड। नहीं इतने बेतहाशा नौकर हैं, मगर नहीं ये हैं और बावर्ची खाना। वेरी गुड। कभी इसके हाथ के बने हुए कोफ्ते खाना। कभी क्या मतलब जी, खाएंगे जी कोफ्ते जरूर खाएंगे। और जनाब कशीदाकारी की तो माहिर है मेरी। अच्छा जी बेटे चाय बनाओ। उठो बदबख्त, उठो बदबख्त, उठो। जब कोई लड़की या कोई औरत आती है तो खड़े हो जाते हैं। यस प्लीज आप लोग बैठिए। शुक्रिया। बेटी ये हैं हमारे नए किराएदार। अस्सलाम वालेकुम जी। चीनी आप कितनी लेंगे? मिस चमचा, ये चमची में चमचा, एक चमची मुझे। बेटे अलन जी, मुझे तुमसे एक किस्म की वो हमदर्दी सी हो गई। अजी ये क्या बात करते हैं, इसकी तो शक्ल ही ऐसी है, इसे देख के और कुछ हो ना हो ये हमदर्दी जरूर हो जाती है। बेटे इस घर को अपना ही घर समझना, कोई गैरियत तो है नहीं, जो दाल रोटी घर में पकेगी वो क्या क्या भी खा लें। क्या क्या दाल रोटी? अभी आप कोफ्ते के बारे में कह रहे थे, आप दाल रोटी भी उतर आए? अरे भाई जो दिल करे वो कह देना, कोई तकल्लुफ तो नहीं है ना। हाँ जी ये तो ठीक है कि जो दिल करेगा वो हम कह देंगे। मसलन मेरा आज फलूदा खाने को जी चाह रहा है जी। भाई सो तो चाय पिए ना आप। अच्छा चाय। थैंक यू बेटे जी। चाचा जी शमशा की और भी बहनें होंगी? दो बच्चियां हैं, एक ये शमशा हैं और एक रजिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रजिया कोई और चीज लेने गई? नहीं वो कराची में अपने चाचा के पास, वो लावल हैं बेचारे, शुरू से वहीं। अच्छा अच्छा, शुरू से बचपन में ही ले गए थे उसे। अच्छा उनका कारोबार है, बिजनेस है। जी जी जी। कुछ जायदाद वगैरह अल्लाह का करम। वैसे चाचा जी एक बात है जी कि देखे ना कि जब आपके भाई हैं जो वो फौत होंगे और उनकी बीवी भी, हाँ उनकी बीवी भी फौत होगी, तो बाकी सब जायदाद रजिया की होगी ना? मेरा ख्याल है कि वो चाय ठंडी हो रही है, आप पिए। अभी तो पीजिए ना, लीजिए अब्बा जान। अब्बा जान यार अलन, यार तूने मुझे खाम खाम मरवा दिया। क्यों? तूने खाम खाम मुझे शादीशुदा जाहिर कर दिया, नहीं तो रजिया मेरे हिस्से में आ जानी थी। यार मुझे क्या पता था उस वक्त कि रजिया भी है कोई। शादी का तो तूने कह दिया था, चलो ठीक है, बीवी को छोड़ा भी जा सकता है, इधर उधर भी किया जा सकता है, मारा भी जा सकता है। नहीं मारा नहीं जा सकता, कत्ल का इल्जाम लग जाता है। तो बच्चों का क्या कर सकता हूँ मैं? हाँ यार ये बच्चों की बड़ी बुरी प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ यार अलन। हाँ मैं तो ईमान से, यानी जब से मैंने ये रजिया का सुना है ना, हाँ बस ईमान से बेजा बेजा हो गई। वो क्यों? मुझे तो ये जो रजिया नाम है ना, ये शुरू से ही बड़ा अच्छा लगता था। तू रख लेगा यार? नहीं मैं अपने रखने का थोड़ा कह रहा हूँ, वो तो मैं उसके लिए कह रहा था, अपने वो क्या कहते हैं उसको, बीवी के लिए। मैं अलग सोचा करता था ईमान से कि मेरी बीवी के पास कुछ और हो ना हो, लेकिन ये नाम जरूर होगा। बस यार अब तो सब ही कर लेता। अच्छा हाँ ये तो है। क्या खुजली हो रही थी? हाँ पता नहीं क्या। बस यार सबर अब हो नहीं सकता। अब सबर कर लो बेटा, तो सबर हो नहीं सकता ना अलन, उसके बगैर बस समझ नहीं आती मैं क्या करूं, कोई तो सूरत पैदा करना। क्या मैं सूरत पैदा करूं? बस अब सबर। चुप कर जा, वो आ रही है शमशा। रही आ जाइए शमशा। आई आई आई। मैंने आपकी सारी कमीजें इस्त्री कर दी थी। थैंक यू शमशा। जो बाकी रह गई है जी वो भिगो दी है। भिगो दी दूध में जी?
दूध में भिगो दी। तमीजें भिगो दी हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझा सेवैयों के बारे में बात कर रहे हैं। आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ की शमशा, मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है। नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात। नहीं जी, वो असल में हमारे लिए कभी किसी ने इतना कुछ किया नहीं ना जी, तो इसलिए हमें एहसास बहुत है। हमारे लिए तो इतना कभी हमारी सगी माँ ने नहीं किया था जी। हाँ, जितना आप कर रही हैं। अम्मी पूछ रही हैं कि रात को खाने में क्या खाएंगे आप? जी हाँ, तो अभी तो खा के उठे थे, आप फिर खाना। चलिए, आपसे नहीं पूछ रही हूँ, अलन साहब से पूछ रही हूँ। इससे पूछ रही हैं, मैं बताता हूँ। असल में आप तो सभी खाने बहुत अच्छा पकाती हैं, तो आप पका लें अपनी पसंद की कोई मुर्गी। तो मैं आज मुख्तलिफ तरीके से पकाती हूँ मुर्गी। मैं आपको बताऊँ एक तरीका, आज मुर्गी मैं परों के पका लें आप। जी शंसा जी, अम्मी अल्लाह, वो तो मैं फ्रिज में ही रखकर भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। आ रही है तेरे लिए। ये ख्याल रखती है तुम्हारे बेटे का। हाँ, देखो मैंने कितने शौक से बनाया अपने बेटे के लिए। मैं इस दिल नहीं कर रहा अम्मी, प्लीज शाम को खा लूंगा। नहीं बेटा, खाने के साथ थोड़ा सा मीठा जरूर खा लेना चाहिए। दिल नहीं कर रहा। चल इधर, सच्ची कर रहा हूं। इसको एक लपड़ मारेंगे तो खाएगा ये। तू चुप कर। अच्छा, तुझे मेरी जान की कसम, खा ले ये। थोड़ा थोड़ा सा। हाँ थोड़ा, बस 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 ये ले। बस अम्मी बस बस, अब नहीं, बस मेरी, बस प्लीज बस, एक मेरी तरफ से, एक ये अब्बू की तरफ से। बस अम्मी ले, एक ये पता है किसकी तरफ से, शमसा की, एक और, एक एक दजिया की तरफ से मेरे मुंह में। ये लो, सारे घर के जूते पॉलिश करने को मैं हूं, ये खूर शोरमा खाने को तू है, ये पड़े हुए जूते, ये पड़े हुए, बस। अरे सुनती हो, क्या हुआ? वो भाई साहब का फोन आया था, अभी वो आ रहे हैं अभी कराची से, इसी फ्लाइट, मैंने गाड़ी भेज दी उन्हें लाने के। शुक्र है उन्हें भी फुर्सत मिली। बस अब एक नजर वो अलन को देखकर अगर हाँ कर दें तो मेरे ज़हन से बड़ा बोझ उतर जाएगा। इतने अच्छे लड़के को देखने के बाद कोई पागल ही होगा अगर हाँ ना करेगा। खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, पैसे वाला है, सबसे बड़ी बात यह कि उसके आगे पीछे और कोई है भी नहीं। बस ये जो नन्ना उसके साथ भला की तरह चिमटा ना, ये मुझे एक आंख नहीं पाता। अजी उन दोनों में बहुत मोहब्बत है, कारोबार में उनका साथ जाए। बेगम मैं सोच रहा था कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये मैं अल्लन के नाम लिख दूं, शादी के बाद दोनों मियां बीवी यहीं रहे। और वो दूसरा निगोड़ा? वो जाए जहन्नम में, हमने उसको ठेका ले रखा। ठीक है, मगर अल्लन बेटे से पूछ ले, कहीं वो बुराई ना मान जाए। मैंने बात की थी उससे, पहले तो नहीं मानता था, लेकिन फिर जब मैंने जोर दिया ना तो मान गया। कहने लगा कि वो चले जो पिछली एनेक्स है ना वो उसे दे देंगे। मेरा ख्याल है भाईजान आ गए। तुम ही बात छेड़ना। रजिया क्या हाल है तुम्हारा, तुम्हें देखने को तो मेरी आंखें तरस गई। बाजी आप तो मुझे भूल ही गई हैं, कभी भूलने से कोई खाती लिख लेती। तुमने मुझे कोई खत लिखा जाकर? हैं? सुनेगी दूल्हा भाई कहाँ है? तुमने लड़के की इतनी तारीफ में लिख दी कि हमने सोचा कि अगर तुम्हें और दुल्हन को लड़का इतनी पसंद है तो हम भी जरा एक नजर देख लें। वालेकुम सलाम दुल्हन। लड़के की आप क्या बात कर रहे हैं, इतना अच्छा लड़का है कि आप देखेंगे तो बेटा बना लेने को जी चाहेगा। अच्छा भाईजान, उसे तो देखते ही पहली नजर में हाँ। ये ऐसे महसूस हुआ जैसे जो बेटे की कमी हमें सारी जिंदगी महसूस होती रही है ना वो पूरी होगी। अच्छा भाई, अगर तुम दोनों को उस पर इतना दिल आ ही गया है तो जाहिर है को अच्छा ही होगा, तो वो कहाँ है बरखुरदार, जरा बुलाओ तो। मैं खुद लेकर आता हूँ। बस अब रजिया की फिक्र रह गई है भाईजान। भाई दुल्हन, रजिया की फिक्र तुमसे ज्यादा मुझे।
रिश्ते तो बहुत आए, लेकिन आजकल के लड़के जो है ना बहुत फ्रॉड है, इसलिए तेरा दिल डरता है। हमें तो किस्मतों से अच्छा लड़का मिल गया भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। खातिनो हजरात, आपके शहर में हाँ है। ओए तो ये है मर्दूद। अस्सलामुअलैकुम। फ्रॉड आजम अलैकुम। कमबख्त। अस्सलामुअलैकुम। आप जानते हैं कब तशरीफ लाए? भाई इन्हें तो सारा कराची जानता है। ये मेरे 10 महीने का किराया खा के भागे हैं। इन्होंने मेरे मकान के पंखे बेच गए। इन्होंने मेरे गुसलखाने के कमोड़ बेच दिए। और इनका मख्तून मेरे बावर्ची खाने के बेसन बेच दिया। और बेसन के पकौड़े खा। बेसन के पकौड़े। चुप कर भाई। अम्मी अम्मी को क्या हो गया? अम्मी 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 जी निकल गया। कौन निकल गया? अल्लू निकल गया। इधर आ जा। इधर कह रहा हूं जी। वो तो भाग गया, लेकिन बेटा तुम तो यहाँ हो। मैं तो अब्बा जी रहना ही यहाँ चाहता हूँ। क्यों? वो देखिए जी, अल्लाह ने गलत कहा था कि मेरी शादी हो गई है और बच्चे हैं। तो मैं क्या करूँ? तो वो मेरी शादी नहीं हुई जी। तो मैं क्या करूँ? रजिया की भी नहीं हुई ना जी। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो रजिया के साथ में मैं रजिया के बच्चे भी हैं।